आप सबका स्वागत है एडिट बाय विष्णु के नए एपिसोड में। आज हम 2D लैंडस्केप के बारे में सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे ये डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज में, ऐसे ही रहने देंगे। वेट 7 और हाइट 5, और ये सिर्फ पिक्सल्स करते हैं या इंचेस भी चलेगा। रिजोल्यूशन 300 और पिक्सल्स एंड इंच होना ही चाहिए, और कलर मोड होगा RGB कलर और 8 bit। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते तो। और बैकग्राउंड कंटेंट्स होंगे वाइट। एडवांस ऑप्शन में होगा कलर प्रोफाइल, वर्किंग RGB और ये कोड। पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो होगा स्क्वायर पिक्सल। तो अभी शुरू करते हैं। तो ये बैकग्राउंड लेयर जो है लॉक है, तो अभी हम इसे खोल देंगे, डबल क्लिक करेंगे। लेयर 0 की जगह हम लिखेंगे बैकग्राउंड, ग्राउंड। हाँ, फिर इसके ऊपर एक और न्यू लेयर बनाएंगे और टूरी लैंडस्केप बनाने के लिए हम लैसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ऑप्शंस है ये और ये और ये वाला, एड सब्ट्रैक्शन, एड एडिशन, एड इंटरसेक्ट और ये नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होगा, हम जो भी बनाएंगे, जो भी बना दीजिए, तो अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये मिट जाए, इसलिए हम एड सिलेक्शन इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी हमने ऐसा कुछ बना लिया तो हम इसे ठीक करने के लिए कर सकते। तो अभी हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक कर देते हैं। और यहाँ भी थोड़ा सा, और यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको हम एड सब्ट्रैक्शन से हटा दें। अभी ठीक है। और अभी हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए हम फिल बकेट का इस्तेमाल करेंगे, और ये फॉरग्राउंड होना चाहिए, वरना एक कलर की जगह कोई पैटर्न आ जाएगा। यहाँ आप पैटर्न भी चूज कर सकते हैं, ट्री है, ग्रास है, वाटर भी है, लेकिन हम कलर ही करेंगे क्योंकि ये 2D लैंडस्केप है। तो ये जो कलर है वो है 460C00, ये इसका हेक्सा कोड, और RGB कोड है, रेड है 70, ग्रीन है 12 और ब्लू है 0। अभी हम ओके करेंगे, फिर यहाँ फिर कर देंगे। ये देखिए हो गया। और इसका सिलेक्शन हटाने के लिए हम CTRL D दबाएंगे, अगर आपके पास विंडोज है तो। मैक के लिए और दूसरे ही शॉर्टकट कीज इस्तेमाल हो, CTRL की जगह कोई और नाम, CTRL की जगह कमांड होगा, कमांड D इस्तेमाल।
तो ये हो गया। तो अभी हम ऐसे ही और भी पीछे लगाते जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ इसके पीछे हम एक और लैसो टूल से बनाएंगे ऐसे। ये हो गया। मैंने इसके पीछे लेयर क्यों बनाया है, अगर मैं इसके आगे रख दूंगा ये लेयर को और मैं फिल कर दूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, इसलिए मैं इसके पीछे और इसका कलर भी बदलूंगा जैसे लगे कि इसके पीछे ही है। तो इसका हेक्सा कोड है, इसका हेक्सा कोड है 6 6 1 B 0 T और RGB कोड है Red 102, Green 27 और Blue 12। तो ओके करते हैं और फिर कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा और इसे डिसलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी और इसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। अभी हम इसके पीछे एक और लेयर बनाएंगे। इससे पहले थोड़ा और नीचे, हाँ इतना ठीक रहेगा। इसके पीछे एक और बनाएंगे रेजो टूल से, ये थोड़ा यहाँ से होगा। तो करते हैं, फेस फिल कर देंगे। कलर होगा, हेक्सा कोड होगा इसका 802 और 816। अगर आपको ये कलर पैलेट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कलर पैलेट भी चूज कर सकते हैं। डिसलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी और फिर लैसो टूल, फिर ये कॉल, और फिर ऐसा फिर फेल करेंगे और हेक्सा कोड होगा 9C 3925। ये थोड़ा गलत हो गया तो हम बताते हैं।
हमने चारों लैंडस्केप बना दिए हैं, तो हम थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे, सबको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसे भी थोड़ा सा और इसे भी। अभी हम इसके पीछे पहाड़ बनाएंगे, तो पहाड़ होगा यहाँ ऐसे, और फिर कलर होगा उसका बी फाइव फाइव एस डी बी। और फिर हम इसे फिल करेंगे, अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे, तो उसका कलर होगा FF6347। और ये पीछे कलर कर दिया। अभी हम यहाँ सन डालेंगे, तो ये सबसे ऊपर रखेंगे, ये वाले लेयर से भी ऊपर, और सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्कर टूल में जाके हम यहाँ साइड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इक्लिप्टिकल मार्कर टूल में जाएंगे और वो यहाँ हो गया। पहले कलर करेंगे और उसका कलर होगा FF A 089। और फिर कलर कर दें, फिर सेलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी, अभी हम ये करेंगे यहाँ, और अभी हम इन सब यहाँ जो सन है उसके हिसाब से सब में रोशनी डालेंगे यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा प्लेन दिख रहा है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ट्री डालेंगे और यहाँ एक कैरेक्टर डालेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसे ये बटन दबाइए, तो इसका जो है ये थोड़ा सा और यहाँ हाँ ऐसे ही ठीक है, हाँ और ये हो गया, अच्छा दिख रहा है ये।
फिर हम सबसे पहले यहाँ रोशनी डालते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे और फिर लेजर टूल से ही इसके ऊपर चौक बनाएंगे और ऐसे यहाँ करते हैं। फिर हम इसका कलर लेंगे और थोड़ा लाइट कलर। इसका हेक्सा कोड है 6F2A12 और इसका RGB है 111, ग्रीन है 42 और ब्लू है 20। फिर हम इसे ओके करेंगे, इससे हम फिर करेंगे। ये देखिए एकदम बेकार दिख रहा है, तो हम इससे इसमें ही होने के लिए हम क्या करेंगे, Alt दबाते हुए इसके लाइन से जाएंगे और ये देखिए ये जो सिंबल आ रहा है वो आने तक रखेंगे और फिर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे उसमें ऐसे और जगह में भी करेंगे। फिर करेंगे और लास्ट यहाँ पे भी अंदर अभी हम ऐसे नीचे भी करेंगे और फिर ऐसे क्लिक करेंगे और उससे पहले यहाँ भी थोड़ा बचा है वो भी कर लेते हैं। यहाँ ऐसे यहाँ भी थोड़ा डाल देते हैं। फिर हम इसके पीछे डालेंगे यहाँ भी, उससे पहले हम कलर चूज कर लेते हैं। कलर है 8734 25। और फिर हम यहाँ ऐसे करेंगे थोड़ा सा करेंगे ऐसे ही यहाँ भी कलर करेंगे। और थोड़ा सा
फिर इसके नीचे वाले लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे आज दबा के उसके, फिर इसका कलर चूज करेंगे और फिर इसे लाइट करते हुए इसका हेक्सा कोड होगा 86 3322। ओके, फिर हम यहाँ भी करेंगे ऐसे ही, ऐसे ही करते जाएंगे यहाँ भी थोड़ा सा। और थोड़ा ये ढलान पे भी और ये हो गया। फिर हम लास्ट वाले लेयर पे नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट है, इसलिए इस पे करने की जरूरत नहीं। अभी हम पहाड़ पे चमक करेंगे, तो जूम करते हैं। क्या कलर चूज करेंगे, फिर इसका हेक्सा कोड होगा FF7E। फिर हम लैसो टूल से यहाँ ऐसे ही बनाएंगे, इसके एक नया लेयर बनाएंगे आज ऐसे करेंगे, फिर कलर कर ऐसे यहाँ भी। यहाँ और यहाँ भी एक कर देता हूँ। कलर और ब्राइट करते हैं FF A48E। इसका RGB है और 255G 164 और ब्लू 142।
तो अभी यहाँ हम कॉल जो टून से करेंगे और यहाँ एकदम करे इस तरफ फिर हम यहाँ जो है ये बहुत खाली खाली लग रहा है तो हम इसके ऊपर पेड़ डालेंगे। तो उसके लिए हम एक और न्यू ओपन करेंगे, कोई भी साइज पे चलेगा, ऐसे क्रिएट कर देता हूँ साइज का। फिर इसके ऊपर फिल्टर में जाएंगे, रेंडर में और ट्री में। अगर आपके पास फोटोशॉप 2020 नहीं है तो आपके पास ये नहीं होगा, ये सेक्शन रेंडर में। तो मैं पहले ये तरीका दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जिनके पास नहीं है उनके लिए कैसे ब्रश बनाने का वो मैं बताऊँ। और हम चूज करेंगे फ्रू ट्री, लीव्स अमाउंट होंगे 100, लीव साइज 157, ब्रांचेस हाइट 70 और ब्रांचेस थिकनेस 102। डिफॉल्ट लीव को अनटिक करेंगे और लीव टाइप को करेंगे 9 और अरेंजमेंट 1 ही रहे, तो ओके दबाएंगे। यहाँ देखिए एक ट्री आ गया है। तो इसको ब्रश बनाने से पहले मैं ये आर्ट बोर्ड 1 जो ग्रुप है उसे हटा देता हूँ, अनग्रुप। फिर हम जाएंगे न्यू एंड सैटुरेशन में ये बटन दबा के और लाइटनेस को 0 कर देते और फिर हटा देते हैं। फिर ये वाले इसको क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाएंगे। और अभी हमारा ये ब्रश बन गया है, इसका नाम रखेंगे ट्री और शेयर कर। यहाँ पहले थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा है। हाँ इतना ठीक है, जूम करता हूँ और कलर चूज करूंगा ये और नया लेयर बनाऊंगा इसके ऊपर और फिर शुरू करता हूँ यहाँ। और एक छोटा ट्री या फिर ऐसे ही नीचे भी साइज कर देते 401। हाँ ऐसे ही करेंगे। और कुछ
छोटे छोटे ट्री यहाँ और एक यहाँ, बस इतने इतने रखते हैं। फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, और कलर चूज करेंगे इसका। फिर यहाँ भी ट्रीज लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा साइज छोटा, एक और छोटा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक और यहाँ, एक और एक। एक जगह यहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ और यहाँ, बस इतना काफी है। फिर ऐसे ही यहाँ भी ट्रीज लगाएंगे। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं जिनके पास फोटोशॉप 2020 नहीं है वो उनको कैसे बनाने का वो मैं बताऊंगा। कोई भी ट्री का फोटो लीजिए जो आपको पसंद आए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर उस वो पहले से ऐसा है ब्लैक कलर, तो डायरेक्ट आप एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट करके नाम करके ओके कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो मैंने जैसे किया यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके लाइटनेस -100 कर दिया, वैसा करके फिर आप डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाके ओके करके ब्रश बना। तभी हम वापस यहाँ आके ट्रीज लगाना शुरू करते हैं। यहाँ कलर चूज कीजिए और ब्रश वाला टूल थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसके ब्रश को, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ और यहाँ, यहाँ भी लगा देते हैं। और फिर यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे ही लगाते जाएंगे। और अब हम लास्ट लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, और वहाँ ट्रीज सबसे ज्यादा लगाएंगे और थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर है मुझे दिखाने के। तो हम लगाएंगे यहाँ, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। ढलान पे नहीं लगाएंगे, यहाँ 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 भी और यहाँ
हल्का सा यहाँ लास्ट में, ये हो गया। हमने सारे पेड़ लगा दिए हैं। अभी हम यहाँ फॉग क्रिएट करेंगे यहाँ सब में, और सन के और यहाँ भी, और सन के पीछे क्लाउड्स क्रिएट करेंगे। सन के पीछे क्लाउड्स क्रिएट करने से पहले सन कुछ ज्यादा ही नीचे है तो इसे उससे पहले सेव कर देते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। टू डी लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। इसे ओके कर देंगे। डोंट शो अगेन और ओके। तो हम अभी बाकी का काम पूरा करते हैं। सबसे पहले हम इस पहाड़ के पीछे जो है क्लाउड क्रिएट करेंगे, मतलब फॉग। उसके लिए हम ब्रश चूज करेंगे। मैंने यहाँ एक ब्रश सेट डाउनलोड किया है। अगर आपको ब्रश सेट चाहिए तो आपको लिंक में मिल जाएगा। मैं ब्रश चूज करूंगा ये वाला। ये इसका साइज हल्का सा छोटा करूंगा, यहाँ थोड़ा सा। तो कलर हम पहले चूज करेंगे। पहले हम इसे चूज करते हैं सन का कलर। पहले हम चूज लिखेंगे एक्स्ट्रा कोड FF A792 A792। चूज करेंगे और फिर क्रिएट करेंगे यहाँ और यहाँ और यहाँ। हो गया। अभी हम थोड़ा इस ब्रश को हल्का सा छोटा करेंगे। और इसका कलर भी थोड़ा अलग करेंगे। इसका कलर होगा FF B8 A6। ये इससे थोड़ा लाइट है। ये थोड़ा सा नीचे करेंगे हम। अभी हम इससे भी लाइट कलर चूज करेंगे, वो होगा FF DCD 3। ये थोड़ा सा नीचे करेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 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 और यहाँ, और ये हो गया। अभी हम ये सब जगह पे फॉग क्रिएट करेंगे और एक दो क्लाउड ऊपर करेंगे।
थोड़ा सा। तो अभी हम ये दोनों के बीच में एक न्यू लेयर बनाएंगे यहाँ, और कलर चूज करेंगे FF 8B 6F, ये कलर चूज करेंगे हम, और इसका ओपेसिटी होगा 32। अभी शुरू करते हैं, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ भी और यहाँ भी, हो गया। अभी हम ऐसे और भी पीछे पीछे करेंगे, इसके ऊपर एक और नया लेयर बनाएंगे, इसकी ओपेसिटी होगी 42 और कलर वही होगा। ऐसे करेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ और थोड़ा सा, वे हम यहाँ एक लार्ज बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसकी ओपेसिटी होगी 62, कलर वही होगा, साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे हम 1010। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और यहाँ बस। तो अभी हम हल्का सा क्लाउड डालेंगे सन के पीछे, यहाँ एक और ऐड करेंगे और एक कैरेक्टर डालेंगे यहाँ। तो अभी हम ब्रश चूज करते हैं, हाँ ये वाला अच्छा रहेगा, देखते हैं। हाँ नहीं तो ये वाला भी देख सकते हैं, या फर्स्ट वाला भी अच्छा, आपको जो पसंद आए वो वाला ब्रश चूज कीजिएगा। हाँ ये वाला मुझे अच्छा लगा, और थोड़ा सा पीछे क्रिएट करेंगे हम, हल्का सा, और ये हो गया, ये अच्छा दिख रहा है। अभी हम यहाँ एक कैरेक्टर डालेंगे, उसके लिए हम एक और न्यू फाइल नहीं ओपन करेंगे, एक फोटो, ये है वो मेगा ग्रेनिंजा का फोटो है, अभी हमने ये फोटो खोल लिया है। अभी हम ये बटन वापस जाएंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे, लाइटनेस कम कर देंगे,
और फिर हम जाएंगे ये लेयर पे दबाएंगे, एडिट में जाएंगे, पहले की तरह हम जाएंगे डिफाइन ब्रश कट में और ब्रश का नाम होगा मेगा ग्रिल। तो ये बन गया है और अभी इसका कलर होगा ये वाला और साइज छोटा करेंगे। थोड़ा सा बड़ा यहाँ रखते हैं, सन के भी ऊपर रखेंगे, इससे इसके ऊपर स्मोक ना। यहाँ खड़ा कर देंगे, ये हो गया। अभी हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे और इसे आर्ट और क्लिक करेंगे। हाँ, फिर इसको ये करेंगे, ये थोड़ा अलग दिख रहा है तो यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे कर देते हैं इससे ये खड़ा दिखे। अभी हम इसके ऊपर भी थोड़ी चमक डालेंगे तो उसके लिए हम लैजो टूल लेंगे, ये आई ड्रॉपर टूल लेके हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर लैजो टूल लेके यहाँ बनाएंगे ऐसे। ऐसे ही करेंगे हम यहाँ थोड़ा सा और यहाँ भी और बस थोड़ा पैरों पे और फिर हो जाए। और ये हो गया हमारा पूरा 2D लैंडस्केप बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।